नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक और नई कहानी के साथ जिसका नाम है मुझे भी आपका प्यार चाहिए सासू माँ। और नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी हर नई कहानी आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। धन्यवाद। पुष्पा जी और कमल जी के 3 बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर में रहते थे। जब पुष्पा जी के पहले बेटे सोम का विवाह हुआ तब पुष्पा जी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने सोचा था कि जब नई बहू आएगी तो उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। वे साथ मिलकर सारा काम करेंगी, आपस में ढेर सारी बातें करेंगी और साथ में शॉपिंग करने जाएंगी। लेकिन बड़ी बहू का स्वभाव थोड़ा तेज था और वह अपनी सास के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। उसके रूखे व्यवहार से पुष्पा जी का दिल टूट गया। कुछ दिनों के बाद उनके दूसरे बेटे वरुण के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। एक बार फिर से उनके मन में नई उमंग जगी और उन्होंने सोचा कि इस बार हो सकता है नई बहू आए तो उसके साथ वह एक प्यार भरा रिश्ता बना पाए। लेकिन इस बार भी उनके सारे अरमानों पर पानी फिर गया और यहाँ तक कि अब दोनों बहुओं में भी आपस में खटपट शुरू होने लगी। और कुछ ही महीनों में दोनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को बोलकर अलग अलग शहरों में अपना आसियाना बसा लिया। पुष्पा जी भी रोज के झगड़ों से तंग आ गई थी और उन्होंने सोचा भले ही बच्चे दूर रहें लेकिन कम से कम सब शांति से तो जिएंगे। कुछ सालों के बाद अचानक ही पुष्पा जी के पति कमल जी का स्वर्गवास हो गया था जिसके कारण वो पूरी तरह टूट गई। अब घर में केवल पुष्पा जी और उनका सबसे छोटा बेटा प्रतीक ही रह गए थे। पुष्पा जी उम्र बढ़ने और अकेलेपन के कारण बीमार सी रहने लगी थी और प्रतीक से उनकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो समझता था कि भले ही काम वाली बाई के कारण उसकी माँ को शारीरिक आराम तो मिल जाता है लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत अकेली हैं। उन्हें भावनात्मक रूप से प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। एक दिन प्रतीक अपनी माँ के पास गया और बड़े ही प्यार से बोला, माँ मैं अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की अंजलि को पसंद करता हूँ, तुम कहो तो मैं किसी दिन उसे यहाँ तुमसे मिलाने के लिए ले आऊँ। पुष्पा जी ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा जरूर, तुम आज ही उसे ले आना। शाम को प्रतीक अंजलि के साथ घर आया। अंजलि उसकी माँ से बड़े ही प्यार से मिली लेकिन पुष्पा जी अब कोई भी उम्मीद लगाना नहीं चाहती थी इसलिए वो तटस्थ बनी रही। जल्द ही पुष्पा जी ने अंजलि के घर वालों से बात करके उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया। अब वह अपनी सभी जिम्मेदारियों से जल्द मुक्त हो जाना चाहती थी। शादी के बाद अंजलि ने पुष्पा जी के साथ घुलने मिलने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन पुष्पा जी ने अपने दिल के दरवाजे कठोरता से बंद कर रखे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वह अंजलि से दिल से जुड़ गई तो उनका दिल फिर से टूट जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रतीक का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। प्रतीक ने अपनी माँ से भी साथ चलने को कहा लेकिन पुष्पा जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों जाओ बेटा, अपनी गृहस्थी में खुश रहो, मैं यहीं ठीक हूँ। प्रतीक उनकी बातों से परेशान हो उठा। उसने अंजलि से जाकर कहा, अंजलि मैंने तुम्हें बताया था ना कि माँ बहुत अकेलापन महसूस करती है इसलिए हमें उनका भरपूर ध्यान रखना है। हाँ प्रतीक, मुझे अच्छी तरह से याद है, तभी तो मैं मम्मी जी के दिल के करीब जाने की बहुत कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह खुलकर मुझसे बातें करें लेकिन पता नहीं क्यों उनका व्यवहार बड़ा ही उदासीन सा रहता है। अंजलि ने जवाब दिया, मैं सब समझता हूँ, यह सब दोनों भाभियों की वजह से है। मम्मी ने दोनों भाभियों से बहुत सी उम्मीदें लगाई थी लेकिन जब वह उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो उनका दिल टूट गया। अब तुम ही माँ को समझा सकती हो, वह तो हमारे साथ जाने के लिए भी मना कर रही हैं। अंजलि तुरंत पुष्पा जी के पास गई और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मम्मी जी आप यह 5 उंगलियाँ देख रही हैं ना, क्या यह सभी एक समान हैं? पुष्पा जी ने उसकी तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखा और बोली, नहीं। तो फिर आप मुझे क्यों नहीं समझ पा रही हैं? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर एक साथ रहें। हमारी गृहस्थी नई नई है, आपका अनुभव
और आशीर्वाद ही हमारा मार्गदर्शन करेगा। फिर आप हमें अपने आशीर्वाद से क्यों वंचित करना चाहती हैं? आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। कुछ बहुएं होती हैं जिन्हें सास पसंद नहीं होती, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। आप मेरे पति की माँ हैं। मेरे पति आज जो भी हैं वो आपकी वजह से हैं। आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा पति मिला है। फिर आपको मैं खुद से दूर कैसे रहने दे सकती हूँ? आपने इतने सालों तक प्रतीक को प्यार और दुलार दिया है, और अब जब मेरी बारी आई तो आप मुझसे दूर जाना चाहती हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे भी आपका प्यार चाहिए मम्मी जी। अंजलि की बातें सुनकर आज पुष्पा जी का दिल पिघल ही गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से अंजलि को गले लगा लिया और बोली, हाँ बेटा, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। दोनों की आंखों में प्यार और खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे, और प्रतीक दरवाजे के बाहर से ये नज़ारा देखकर सोच रहा था कि आज आखिरकार उसकी माँ के अरमान पूरे हो ही गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।